नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। मुख्यमंत्री ने की राज्य के सभी 22 जिलों के डीटीओ की बैठक की अध्यक्षता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को राज्य के सभी 22 जिलों के डीटीओ की बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने करनाल और गुरुग्राम के डीटीओ को पोर्टेबल वेइंग मशीनें भी दी। उन्होंने कहा कि शुरू में विभाग द्वारा 45 पोर्टेबल वेइंग मशीनें खरीदी गई हैं और यदि यह प्रयोग सफल होता है तो इसी प्रकार की अन्य मशीनें भी खरीदी जाएगी। उन्होंने कहा कि इन मशीनों के माध्यम से ओवरलोडिंग वाहनों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ साथ प्रदेश में लोगों को स्वस्थ प्रशासन प्रदान करने के लिए तथा शासन प्रदान करने के लिए एकमात्र उद्देश्य के साथ ही काम कर रही है। उन्होंने कहा कि परिवहन विभाग में बार बार मिलने वाली भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों पर सख्ती से संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार ने ऑपरेशन शुद्धि शुरू किया है, जिसके तहत विभाग में पारदर्शिता लाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और सभी में स्वतंत्र डीटीओ नियुक्त करना उन्हीं में से एक है। उन्होंने कहा कि न केवल विभाग के 250 कर्मचारियों को स्थानांतरित किया गया है बल्कि बिचौलियों किस्म के लोगों की भी सूची सभी डीटीओ को भेजी गई है और कार्यालयों में उनके प्रवेश पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है ताकि भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करने में सख्त संदेश दिया जा सके। डीटीओ को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के जिलों में नियुक्ति करने के लिए उन पर बड़ा विश्वास जताया है और उन्हें समाज की सेवा करने के हर संभव प्रयास करने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी डीटीओ को अपने कार्यालय में प्रवेश करने वाले लोगों की आवाजाही पर भी कड़ी निगरानी रखने के लिए प्रौद्योगिकी और सीसीटीवी कैमरों जैसे अन्य डिजिटल उपकरणों का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा कार्यालयों में आने वाले लोगों का ब्यौरा रखने के लिए भी अलग रजिस्टर कायम किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि फील्ड में छापेमारी करते समय पूरी गोपनीयता बरती जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरीके से इसका खुलासा न हो पाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीटीओ से समय समय पर ट्रांसपोर्ट यूनियनों के साथ बातचीत करने और धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं को सुनने के लिए भी कहा ताकि उनके समाधान के लिए उचित कार्रवाई की जा सके। दूसरे राज्यों से माल और खनन सामग्री लेकर के हरियाणा में प्रवेश करने वाले ओवरलोडिंग वाहनों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश जारी किए हैं कि राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से आने वाले और जाने वाले वाहनों के घुसपैठ पर नियंत्रण रखने के लिए अंतर्राज्यीय सीमाओं पर भी नियमित चेकिंग की जाए। वहीं सड़क सुरक्षा और स्कूल बसों के लिए उन्होंने अधिकारियों से परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर जारी नवीनतम नीतियों का अध्ययन करने और दक्षता में सुधार करने के लिए अपने श्रेष्ठ अनुभवों को साझा करने के लिए भी कहा। परिवहन तथा खान एवं भू विज्ञान मंत्री मूलचंद शर्मा ने भी डीटीओ को टीम और उनकी भावना के साथ काम करने और ओवरलोडिंग वाहनों जैसे अवैध खनन और बिना परमिशन और परमिट की निजी बसों पर अंकुश लगाने के लिए विभाग का राजस्व बढ़वाने को कहा। आप देख रहे हैं पल पल चंडीगढ़ से ये विशेष रिपोर्ट। डीटीओ अभी नए लगे हैं, आज एक महीना हो गया। उनकी पहली मीटिंग माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे नए इसे सपने कपूर साहब जी आए हैं, सत्यजीत जी, पहली हमारी मीटिंग है। हरियाणा प्रदेश में जो भी ओवरलोडिंग, अवैध बस, जो सरकार को चूना लगाते हैं उसके संदर्भ में मीटिंग ली है और सख्ती के साथ ये कार्रवाई करेंगे, चाहे ओवरलोडिंग का मामला हो, चाहे जो प्राइवेट व्हीकल जो चल रहे हैं जो चूना लगाते हैं सरकार को, ऐसी जितने भी व्हीकल हैं उन सख्ती के साथ उनको निपटेंगे। जहाँ शहर में पार्किंग है पार्किंग की व्यवस्था करेंगे, जहाँ अपना ट्रांसपोर्ट नगर बनाना है उसकी जिम्मेदारी ट्रांसपोर्ट नगर की व्यवस्था करेंगे, सभी डीटीओज की जिम्मेदारी है। यह पहला हमारा मीटिंग थी, परिचय था और इस तरह की मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शन दी। कई बार ट्रक में वेट करना पड़ता है, काउंटर पे जाना पड़ता है, इसके क्या है कि नीचे लगाते हैं और उससे सारा क्या है कि वेट का पता लग जाए आपकी गाड़ी में कितना वेट है। पहली ये मशीन 42 मशीन इस तरह की ला रहे हैं और पूरे हरियाणा प्रदेश में ये सब डीटीओज के पास और दूसरे असिस्टेंट सेक्रेटरी उनके साथ रहेंगे और पूरे हरियाणा प्रदेश में इनसे काम चलेगा। नियुक्ति हो चुकी है, कुछ बाकी हैं, जो भी जो लोग ईमानदारी से ट्रांसपोर्ट में काम करेंगे, किसी महकमे से लाने पड़े, ईमानदारी के साथ काम करेंगे, ट्रांसपोर्ट को जो भ्रष्टाचार है उसको मुक्त करेंगे और धीरे धीरे जहाँ भी अधिकारी नहीं हो तो वो भी लाने का प्रयास करेंगे, नई भर्ती भी हो वो भी करने का प्रयास जारी है। अभी इसके परिणाम आए हैं, हमारे
कुछ डीटीओज ने जैसे बसों के चालान करे हैं, 8 करोड़ का रेवेन्यू एक महीना में आया है, पर हम ये नहीं चाहते रेवेन्यू किसी का चालान करना है, हम चाहते हैं कि व्यवस्था को ठीक करा जाए। पैसा करना इकट्ठा नहीं है, हम चाहते हैं व्यवस्था जो प्रदेश की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उसको ठीक करें और जो ट्रांसपोर्ट के नियम और कानून उस कायदे पर ट्रांसपोर्ट और सभी मिलकर उस पर काम करेंगे।